हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके अपने स्मार्टफोन से ही एक अट्रैक्टिव बैनर डिजाइन कर सकते हैं। किसी को बर्थडे विश करना है या एनिवर्सरी विश करना है, या तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक अट्रैक्टिव पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल के लिए। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है अपना प्ले स्टोर। तो हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करके हमें यहाँ सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है कैनवा। तो जैसे ही हम कैनवा को यहाँ पे ओपन करेंगे, देखेंगे हमारा जो सबसे टॉप पे ऐप दिख रहा है हमारा कैनवा, ये है। तो हमें यहाँ पे इसको, इस वाले ऐप को हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे फ़ोन में ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा इसका इंटरफेस, देख सकते हैं कितना कूल दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने रिसेंट पोस्टर डिज़ाइन किया है तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ इसके वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप योर स्टोरी, तो आप अपने इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे स्टोरी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट भी अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट जो हैं वो फ्री में दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से इस टेम्पलेट को एडिट करके आप इंस्टाग्राम पोस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ पोस्टर हैं, तो यहाँ पे पोस्टर बहुत सारे दिख रहे हैं फ्री में, तो इसको भी आप अपने यूज पर्पज़ से कोई भी पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है वीडियो फॉर्मेट में या फिर इमेज फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। अगर आपको अपने किसी भी ब्रांड के लिए लोगो डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे कूल लोगो भी दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे इजीली वे में इसको एडिट करके अपने लिए एक लोगो भी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैग ले लेता हूँ, आपको कुछ और बता देता हूँ यहाँ पे। तो इस पर काफ़ी सारी जो फ़ोटो कोलाज अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे उसका भी दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी गई हैं, कुछ प्रो के लिए भी है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको फ़ोन का वॉलपेपर भी अगर यहाँ पे डिज़ाइन करना है कुछ कस्टमाइज़ करके, तो आप यहाँ से वो भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बर्थडे का पोस्टर डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ कि अगर मुझे किसी को बर्थडे विश करना है तो मैं उसके लिए पोस्टर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो हमें सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेना है बर्थडे, यहाँ पे हमें सर्च करना है हैप्पी बर्थडे। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फ्री टेम्पलेट हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव सा एक वीडियो टेम्पलेट उठा लेता हूँ, यहाँ पे भी दिख रहा है और मुझे ये बढ़िया लग रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्री डिफाइन सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ यहाँ पे टाइप भी करना होगा तो यहाँ पे ये वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, गैलरी यहाँ पे बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स अगर यूज करने हैं, कुछ लोगो वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हमें यहाँ पे इसका इमेज चेंज करना है। तो जिस भी पर्सन का आपको बर्थडे विश करना है तो यहाँ पे उसका फ़ोटो लगाना है। तो यहाँ पे बस सिंपली हमें इस इमेज पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ फोर कॉर्नर पे हमें कुछ कंट्रोल मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे कुछ प्रॉपर्टी जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। तो देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है रिप्लेस का, सेकंड हमारा ऑप्शन जो है वो डुप्लीकेट का एंड डिलीट का है, एंड कलर यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी चेंज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे सॉलिड कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। हमें इफ़ेक्ट्स भी, हम इस इमेज पे अपने इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं, फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप फ्लिप एंड काफ़ी सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। और यहाँ की तक कि हम इस अपने इमेज में ट्रांसपेरेंसी भी ऐड करा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे कुछ कमेंट है एंड लिंक्स हैं, और हम यहाँ पे अपने इमेज को लॉक करके, जैसे हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में लेयर को लॉक कर देते हैं, तो हम इस इमेज को सिंपली यहाँ से लॉक कर देंगे। तो हमें इसको लॉक नहीं करना है, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे इस इमेज को चेंज करना है। तो हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है जो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन हो रहा है, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखते हैं हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, गैलरी, अपलोड, फोटो एंड वीडियो। तो हमें यहाँ पे सबसे टॉप पे जो बीच वाला ऑप्शन हो रहा है इमेज का, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इमेज पे क्लिक करेंगे
थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। तो देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड हो गया है। और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे सेकंड वाला जो इमेज है हम इसको चूज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा इमेज ऑटोमेटिक यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। तो अगर हमें इस पर क्रॉप करना है तो हमें इस इमेज पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो देखते हैं हम इसके अंदर वाले लेयर पे हम चले जाएंगे, जो हमारा मेन इमेज है, जो भी हमारा इमेज मास्क था उसके उस लेयर के प्रॉपर्टी के हम अंदर आ चुके हैं। तो हम यहाँ से इजीली वे में अपनी इमेज को एडजस्ट कर पाएंगे, क्रॉप कर पाएंगे, जहाँ पे भी पोजीशन चेंज करना है वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन में थोड़ा सेट कर लेता हूँ, यहाँ सेंटर में थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो अगर इमेज ये फिट हो जाए तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो चुका है और काफ़ी कूल भी लग रहा है जो ये टेम्पलेट है। देख सकते हैं नीचे यहाँ पे जो लीफ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो एनिमेट हो रही है लूप में। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ टेक्स्ट में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे फ्री डिफाइंड आपको कुछ यहाँ पे टेक्स्ट के भी टेम्पलेट मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे ग्लो वाला टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, बट हमें यहाँ पे सिंपली अगर ऐसे ही नॉर्मल कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे ऐड है हेडिंग, हमें इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो कुछ भी लिखना होगा तो हम लिख करके या फिर जहाँ भी अपना नाम लिखना हो या फिर कुछ भी तो हम इसको यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस कर पाएंगे। तो हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो हम इस वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो राइट कॉर्नर में यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहे हैं, एक अपलोड का और दूसरा हमारा प्ले का ऑप्शन हो रहा है। तो हम प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है वो ओपन हो चुका है, हमें इसका प्रीव्यू दिख रहा है। तो हमें इसके डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हो रही हैं। एज अ सेव में यहाँ पे फाइल टाइप में MP4 वीडियोज़ ये हमारा कैनवा ऐप जो वो हमें सजेस्ट कर रहा है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि और कौन कौन से फॉर्मेट हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है PNG, दूसरा ऑप्शन हमारा JPG, तीसरा ऑप्शन है PDF स्टैंडर्ड हमारा है, जो फोर्थ ऑप्शन है PDF प्रिंट है, ये हमें प्रिंट के लिए अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हम PDF प्रिंट करेंगे। और ये SVG अगर वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये हमारा फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, हमें इसके लिए प्रो वर्जन लेना पड़ेगा या तो सब्सक्रिप्शन पैसे पे करने पड़ेंगे। और हमारा जो सिक्स ऑप्शन है MP4 वीडियो, जो हमें कैनवा खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप इस फॉर्मेट में वीडियो को डाउनलोड करें। जो हमारा सेवन्थ ऑप्शन है वो है हमारा GIF शॉर्ट क्लिप, इसमें कोई भी साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इस MP4 वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो देखिए हमारी वीडियो है रेंडर हो रही है, हमारा रेंडर का जो स्क्रीन है काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी कूल है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा। देख सकते हैं लिख के आ रहा है प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन मेकिंग द मैजिक हैपन, यहाँ पे कुछ मैजिक होने वाला है। तो देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो हमारा वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। हम यहीं से डायरेक्टली उस बंदे को यहाँ पे जिसका भी बर्थडे है हम डायरेक्टली यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो हमें अभी शेयर नहीं करना है, देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा सेव टू गैलरी, तो हमारा वीडियो वो जो है गैलरी में सेव हो चुका है। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे नई नई वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।